हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे वेट ऑफ वर्क्स के बारे में, कि जो हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कि वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल हमें जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पे जरूरत पड़ती है और हम क्यों निकालते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास जो वेट ऑफ मटेरियल है उनके बारे में मैंने आपको सिखाया था। इस वीडियो में सीखेंगे वेट ऑफ वर्क्स के बारे में, कि आप जानते हैं कि जो वेट ऑफ वर्क्स होता है कितना कितना जो लोड होता है, हमारी जो बिल्डिंग्स होती है उस पर लोड कितना आता है, डेड लोड क्या आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अक्सर इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जाता है, किसी के बारे में पूछ लेते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होती रहेगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जस्ट ओनली फ्री है, सब्सक्राइब करना यार। चलिए उसके बाद देख लेते हैं पार्टिकुलर्स। आपके पार्टिकुलर जो आइटम्स हैं क्या क्या आइटम्स हैं उसके बाद देख लेंगे। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर ये आपके पास एक क्यूब हो गया। इसकी जो लेंथ एक मीटर है, चौड़ाई भी एक मीटर है और ये ब्रेथ भी एक मीटर है, एक मीटर बाई एक मीटर, तो एक मीटर क्यूब। उसके पास देख लेते हैं कितना इसका जो वेट आएगा, कितना केजी के अंदर आता है। उसके बाद देख लेते हैं पाउंड पर क्यूबिक फीट, एक क्यूबिक फीट के अंदर कितना पाउंड होता है। सबसे पहले देख लें ब्रिक मेजरमेंट, जो ब्रिक मेजरमेंट आपके पास जो रेड ब्रिक्स होती है उसका जो मेजरमेंट होती है उसका जो वेट होता है 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और पाउंड की बात करते हैं 120 पाउंड पर CFT क्यूबिक फीट। उसके बाद देख लें सनराइज, सनराइज ब्रिक वर्क, सनराइज से आपका क्या पता चल रहा है। सनराइज जो आपकी जो रेड ब्रिक्स होती है जस्ट उनको ओनली धूप के जो सन जो आपकी सूरज से जो धूप से सुखाई जाती है जो आपकी ब्रिक, जस्ट उनको ही आप ब्रिक वर्क करते हैं। सबसे ये ब्रिक वर्क कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे आपके जो भट्टे होते हैं रेड ब्रिक के, यहाँ पे सुखाई जाती है, तो अक्सर वहाँ पे क्या करते हैं जो लेबर्स होती है वही ब्रिक मेजरमेंट करती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत कम जरूरत पड़ती है जो ब्रिक्स की। इसमें भी जो मोर्टार यूज करते हैं वो आपका क्ले मोर्टार यूज करते हैं, जो आपकी चिकनी मिट्टी या जो मिट्टी होती है उसी से इसको कर सकते हैं। सीमेंट सेंटर से इसको जो बॉन्ड है वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं रेनफोर्स्ड ब्रिक मेजनरी, जो आपकी जो RB लिखा हो रहा होगा, आपने देखा होगा RB फोर फॉर्म का, आपकी सर्च भी करते हैं RB व्हाट इज़ द RB, तो वहाँ पर होता है आपका रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ठीक है, तो इसका जो वेट होता है 200 kg पर क्यूबिक मीटर, जो ब्रिक वर्क के अंदर आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी एनफोर्समेंट ब्रिक वर्क कहलाया जाएगा। ये कहाँ पे जुड़ती पड़ती है, जैसे कि आपको पार्टीशन वाल है, पार्टीशन वाल होगी आपके पास 4 इंची। ठीक है, ये आपके पास 4 इंची पार्टीशन वाल है, तो इसमें आपको एनफोर्समेंट बीच बीच में प्रोवाइड करते रहते हैं हर सेकंड या फिर थर्ड लेयर पर। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है पैरापेट पर, सपोज़ कि ये आपकी ये स्लैब हो गई, स्लैब के बाद आपको पैरापेट लेना है, आपको इसके चारों तरफ ब्रिक वर्क यूनिच करना है, इसकी जो चौड़ाई रखनी है आपके पास 4 इंची रखनी है। जो वाइंड लोड होता है आपके पास, जो अर्थ वाइंड लोड होता है, अर्थ क्यूक होता है, जो हवा का प्रेशर होता है, इसको क्रैक इसको तोड़ ना सके, इसको जोड़ ना सके, तो इसलिए इसमें बनाए जाते हैं। या फिर इसमें आप पिलर बनाते हैं जगह जगह पर, कोने कोने में आपके 9 इंची बाई 9 इंची का पिलर हो गया, 9 इंची बाई 9 इंची पिलर हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी एक पिलर बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, 4 इंची वाला है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास 9 इंची बाई 9 इंची का पिलर बना देते हैं इसमें मोस्टली पैरापिट के अंदर। अगर 4 इंची वाल बना देते हैं तो इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है आपके ड्राइंग के अंदर लिखा होगा कि रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट पार्टीशन रूम के अंदर पार्टीशन वाल 4 इंची ब्रिक वर्क होती है उसके अंदर ही ऑलमोस्ट यूज किया जाता है 4 इंची का। या फिर अगर आपके पास आउटर वाल है, ये आपके पास मकान के अंदर आउटर वाल है 4 इंची आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 2 सारे 6 mm के या फिर 8 mm का एक सारे आप प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट विद ब्रिक ब्लास्ट। लाइम कंक्रीट जो आपके पास जो चूने की जो कंक्रीट होती है विद ब्रिक ब्लास्ट के साथ 1920 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। तो लाइम कंक्रीट विद स्टोन ब्लास्ट, इसमें तो ब्रिक ब्लास्ट के देख रहे हैं, ब्रिक ब्लास्ट के अंदर स्टोन ब्लास्ट के अंदर देख लेते हैं 2240 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो लाइम कंक्रीट इसमें दे रहे हैं हम, लाइम कंक्रीट जो सपोज़ कि जब आपके पास फ्लोरिंग हो रही है, नीचे फ्लोरिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे स्टोन ब्लास्ट के अंदर कंक्रीटिंग करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जैसे कि वापसी बोलते हैं 40 mm होती है, ऑलमोस्ट 40 mm यूज़ करते हैं PCC के अंदर,
40 mm से 20 mm यूज कर लेते हैं, या फिर आप ब्रिक ब्लास्ट यूज कर रहे हैं, जो ईंटों के टुकड़े होते हैं उसके अंदर आप नीचे बिछा देते हैं, उसके बाद आप फ्लोरिंग करते हैं सीमेंट कंक्रीट की, या फिर आप सीमेंट कंक्रीट के बाद टाइल्स का यूज करते हैं, जो भी आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सीमेंट कंक्रीट, जो CC होता है, सीमेंट कंक्रीट होता है 2240। देखिए यहाँ पे उसने गिवन है 2240, क्या आप जानते हैं 2240 से यहाँ पे होता है 2400 kg तक, ठीक है। 2240 से ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, 2400 kg लेते हैं, ठीक है। 2240 से 2400 kg जो स्टैंडर्ड है 2200 है, 2240 से ऑलमोस्ट 2400 तक लेते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं RCC रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट के अंदर 2400 गिवन है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पे लेते हैं, कितना लेते हैं, 2500 kg, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं एस्पाल्ट कॉन्क्रीट, एस्पाल्ट कॉन्क्रीट में होता है 2240 kg पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं स्टोन मेजरिंग, स्टोन मेजरिंग के अंदर होता है 2560 kg पर क्यूबिक मीटर। पाउंड की बात करते हैं, 160 पाउंड पर क्यूबिक फीट, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। लाइम मोर्टार, जो आपके लाइम मोर्टार होता है, लाइम मोर्टार होता है 1760 kg, ये जो आपके पास होता है ड्राई फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। ये आपके पास होता है ड्राई फॉर्म के अंदर होता है, जैसे कंक्रीट हो गई उसके बाद जो भी सेट होता है वो ड्राई फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद देख लेते हैं स्टोन मेजरिंग, स्टोन मेजरिंग ये देखो यहाँ पे भी ड्राई हुए हैं, स्टोन जो मेजरिंग होती है आपके पास, स्टोन की जो मेजरिंग हो गई तो 2080 kg पर क्यूबिक मीटर। स्टोन ब्लास्ट कंसोलिडेटेड एज ए रोड, जो स्टोन ब्लास्ट होते हैं जो हम कंक्रीट उसके रोड के अंदर बिछाए जाते हैं, तो वो क्यूबिक मीटर कितना हो गया, 2080 kg पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद देख लेते हैं ग्रेनाइट, उस ग्रेनाइट ग्रेनाइट एसलर मेजरिंग होती है तो 2560 kg पर क्यूबिक मीटर, और 160 पाउंड पर क्यूबिक फीट। उसके बाद देख लेते हैं रबल स्टोन मेजरिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बस वही मैंने लिखे हैं, इसके बारे में आप जानेंगे तो और डिटेल्स में तो आई कोड इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं रबल स्टोन मेजरिंग 2320 kg पर क्यूबिक मीटर और 145 पाउंड पर क्यूबिक फीट। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट थे मैंने जो आपसे शेयर किए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकली वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।